वहीं फिलौरा में संचालित नवोदय विद्यालय का मामला सामने आया, जहां जिले में लगभग 140 बच्चे विद्यालय में रहकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन बच्चे लगातार बीमार हो रहे हैं। परिजनों ने बताया है कि स्कूल में खाने की व्यवस्था का बुरा हाल है, उससे कहीं ज्यादा बुरा हाल सफाई का है। खाने के रूम में टॉयलेट की बदबू आती है, इतना ही नहीं बच्चों से टॉयलेट की सफाई भी कराई जाती है। लगातार आ रही शिकायतों के बाद जिला प्रशासन की आंख खुली और तहसीलदार को स्कूल भेजा गया, जिसने मौके पर अव्यवस्थाओं को देखकर फटकार लगाई और परिजनों से एक सप्ताह में व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया है। बुलेटिन में खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।